15 अगस्त को आपने देखा होगा संविधान बदलने की जो बात कही गई है, तो मैं अपील करूंगी जब भी कोई मीटिंग होती है तो संविधान की प्रस्तावना जरूर जो है हॉल में पढ़ी जानी चाहिए। यह इस देश का दुर्भाग्य है, ना तो स्कूलों में पढ़ाई जाती, ना कॉलेज में पढ़ाई जाती और ना बहुजनों सम्मेलन में पढ़ाई जाती। तो जब हम ही लोग नहीं पढ़ेंगे तो मनुवादी कहाँ से इसको पढ़ेंगे। तो ये अपील है, जरूर यहाँ पे संविधान की जो है प्रस्तावना को पढ़ा जाए। कमलेश मधौलिया जी के साथ मैं काम कर रही हूँ। कमलेश मधौलिया जी शिक्षा के लिए तो कार्य कर ही रही है, साथ में आए दिन जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उससे भी वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं और जितना कोशिश करती हैं उसको नॉर्मलाइज करने की या किसी का केस लड़ने की तो उतनी कोशिश भी ये करती हैं। मैं आज या ध्यान दिलाना चाहूँगी कि संविधान में लिखा है यह धर्मनिरपेक्ष देश है, तो जो नू मेवात के जो दंगे हुए हैं उसमें मोनू यादव और बिट्टू लोहार ओबीसी समाज को टारगेट किया गया है, लेकिन यह ओबीसी कहीं भी आपको ना तो पुजारी दिखाई देगा और ना गल्ले का मालिक दिखाई देगा। जब मलाई खानी होती है, एसी हॉलों में भाषण देने होते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री और इतने लाखों करोड़ों बाबा आ जाते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर भाई भाई से लड़वाना होता है तो मोनू मानेसर, मोनू यादव और बिट्टू लोहार याद आते हैं। तो मैं अपील करती हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से भी कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आपस में ना लड़े, उस स्कूल को बंद कर दे जिस स्कूल में मोनू मानेसर बनाए जाते हैं, उस स्कूल को बंद कर दिया जाए जिस स्कूल में बिट्टू बजरंगी जैसे लोग पैदा होते हैं। आज बिट्टू बजरंगी अकेला रो रहा है, अकेला गालियां सहन कर रहा है, उसका परिवार अकेला सारे दुख सहन कर रहा है। जो उसके साथ दंगा भड़काने में शामिल थे वो कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए सारे मंदिर के पुजारी, वो धर्म के ठेकेदार क्यों ओबीसी को आपस में लड़वा रहे हैं एससी एसटी को। मैं पूछना चाहती हूँ, मणिपुर में 3 महिलाओं का नग्न घुमाया गया, माँ भारत की द्रौपदी के लिए बहुत बड़ा कपड़ा आ रहा था, साड़ी पे साड़ी आई जा रही थी, लेकिन मणिपुर की 3 महिलाओं के लिए 1 मीटर कपड़ा भी आसमान से कहीं आता नजर नहीं आया, यानी वो महाभारत काल्पनिक थी या आज की जो सच्चाई है वो हकीकत है। फूलन देवी का दौर हम भूल गए हैं, जब फूलन देवी ने अपने बलात्कारियों का सजा दी थी उसके बाद गैंग रेप बंद हो गए थे, कुछ समय के लिए बलात्कार बंद हो गए थे, नग्न स्त्रियों को घुमाना बंद हो गया था, लेकिन जब जो है एक सांसद महिला फूलन देवी को मार दिया गया तब दोबारा निर्भया कांड, अंजलि कांड, दिल्ली कैंट कांड, निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड, बिल्किस बानो कांड और मणिपुर की 3 महिलाओं को नग्न घुमाना और गैंग रेप करना, तो यानी वायलेंस कैसे वायलेंस छोड़ दे, वायलेंस महिलाओं ने छोड़ दी, फूलन देवी अगर खत्म हो गई तो यहाँ पे महिलाओं की दरिंदगी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अगर संविधान बदल गया तो हम महिलाओं की वही हालत होगी जो हमारी आज़ादी से पहले हुआ करती थी, कि हमें स्तन ढकने के लिए भी कपड़ा जो है हमें हमारे लिए नहीं था, टैक्स देना पड़ता था हमें, और शुद्धिकरण के नाम पर और शादी होने के बाद 3-3 किसी के घर में रखना देवदासी प्रथा, हम नहीं चाहते हम उस वैसा जीवन दोबारा व्यतीत करें। तो मेरे भाइयों, ना हिंदू के नाम पर लड़ो ना मुसलमान के नाम पर लड़ो, संविधान में लिखा है भारत, इंडिया दैट इज भारत, कहाँ से ये हिंदू है, कहाँ से ये हिंदुस्तान है, जब संविधान में लिखा है भारत और इंडिया तो दो ही नाम लीजिएगा और हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी नहीं लड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया।